बोलती किताबें चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुभानहु ताला की सिफात अल हय अल कय्यूम का जिक्र है, ये भी बहुत जबरदस्त सिफात हैं और इनमें अल्लाह सुभानहु ताला का इस्म आजम है जिसको पढ़ने से दुआएं कबूल होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बदर के मौके पर जब हालात बहुत तंग थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अस्मा को पुकार कर दुआ की थी, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। हजरत अनस कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक आदमी ने दुआ की और कहा, या बदीअ समावात या हय्यु या कय्यूम इन्नी अस्अलुका, ऐ आसमान को अदम से वजूद में लाने वाले, ऐ जिंदा ऐ कायम रहने वाले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, यानी मैं तुझसे मांगता हूँ अपनी जरूरत की चीज। तो आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है कि इसने किस चीज के साथ दुआ की? कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह को उस नाम के साथ पुकारा है कि जब इस नाम के साथ अल्लाह को पुकारा जाता है तो वो दुआ कबूल करता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, तो ये तीनों नाम अपने रिमाइंडर्स में लिख लीजिए। जब भी आप चाहें कि आपकी दुआ कबूल हो तो पहले अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारें और फिर दुआ मांगे। क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में चले जाएंगे तो जुमे के दिन अल्लाह ताला आला इल्लियीन से अपनी कुर्सी पर नुज़ूल फरमाएंगे, फिर अल्लाह ताला कुर्सी को नूर के मिंबरों से घेर देंगे, यानी कुर्सी के इर्द गिर्द क्या होंगे, नूर के मिंबर। नबी आएंगे यहाँ तक के उस पर बैठ जाएंगे नूर के मिंबरों पर, फिर अल्लाह ताला मिंबरों को कुर्सियों से घेरेंगे, सिद्दीक और शहादा आएंगे यहाँ तक के वो उन पर बैठ जाएंगे, फिर अल्लाह ताला अपनी कुर्सी पर चढ़ेंगे उसके साथ शहादा और सिद्दीक भी चढ़ेंगे। यानी अल्लाह सुबहान ताला क़यामत के दिन अपने बंदों से जिस तरह मुलाकात करेंगे उसका जिक्र यहाँ किया गया है। सही अतरगीब और तरहीब की हदीस है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंद है बहुत अजीम है। और हकीकत यह है कि अल्लाह से बड़ी कोई भी चीज नहीं, इसलिए हमें अल्लाह ताला के नामों के साथ दुआ मांगते हुए खुसूसन तस्बीह करनी चाहिए। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह को उस नाम के साथ पुकारा है कि जब इस नाम के साथ अल्लाह को पुकारा जाता है तो वो दुआ कबूल करता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, तो ये तीनों नाम अपने रिमाइंडर्स में लिख लीजिए। जब भी आप चाहें कि आपकी दुआ कबूल हो तो पहले अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारे और फिर दुआ मांगे। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।